धर्म तुम शासन से हमें जी सेव गहे जाहि जय सदी भव सागर में दुख चार बार तारन को और ना पिटारे यह लखी निज दुख गद हरण काज तुम ही निमित कारण जाने ताते मैं शरण आए कुछ रो निज दुख जो चिल्लाए। एक मिनट। मैं भ्रम्यो अपनी को विसरिया अपनाए विधि फल पुण्य पाप निज को पर का करता पिछान पर में अनिष्टता इष्टठान आकुलित भयो अज्ञान धार जो मृग मृग तृष्णा जान तन परिणति में आपो चितार कबहु नानुभव सुपद सार तुमको बिन जाने जो कलेश आए सो तुम जानते जिने से पशु नारक नर सुरगति मझार भव धर धर मर्यो अनंत बार अविकाल लब्धि बलते दयाल तुम दर्शन पायो भयो खुसार मन शांत भयो मिट सकल द्वंद चाख्यो स्वातम रस दुख निकल ताते अब ऐसी करुणा विछरे कभी तुम चरण साथ तुम गुण गण को नहीं छेब देव जग तारन को तुम वीर देव आत्म के अहित विषय कसाय इनमें मेरी परिणति न जाय मैं रहूं आप में आप लीन सो करो जो निजाधीन मेरे न चाहे कछु और ईश रत्नात्रय निधि दीजे मुनीस मुझ कारज के कारण सुआप सेवे करहु हरहु मम मोहिताप शशि शांति करन तप हरन हे स्वयमेव तथा तुम कुशल दे पीवत पियो से जो रोग जाए त्यों तुम अनुभव तो भवन साए त्रिभुवन तिहु काल मझार कोई नहीं तुम बिन निज सुखदाए होए मोर यह निश्चय भयो आज दुख जलदि उतार तुम जहाँ तुम गण गण मणि गणपति गणते न पावहि पार दौल शिल्प मति किम कहे नमो त्रियोगे सुमार। मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मंगल्यं सर्व कल्याण कारकम् प्रधानाम सर्व धर्मानाम
जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। मित्रा विज्ञान भाग एक पहला पाठ देव स्तुति के संबंध में अपन ने चर्चा प्रारंभ की है। मंगलाचरण के उपरांत अपन ने दो छंदों की चर्चा इसमें की है और भगवान के स्वरूप को समझा, भगवान की वीतरागता, भगवान की सर्वज्ञता, भगवान का हितोपदेश पना, ये उनकी शोभा कैसे है, वीतरागता कैसी है उनकी, उनकी सर्वज्ञता कैसी है, उनका हितोपदेश पना कैसा है, ये सब चीजें अपन समझ के आए हैं। और अब हम बात करते हैं जो चौथा छंद अपन ने कल पढ़ा था उसके आधार से और आगे बढ़ेंगे। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विघटे आपद अनेक, तुम जग भूषण दूषण वियुक्त, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। इसके संबंध में अपन ने कल चर्चा की कि आप के गुणों का स्मरण करने से हमें क्या होता है कि सो और पर का विवेक जागृत होता है। और क्या होता है तो बोले सो और पर का विवेक जागृत होता है और क्या होता है तो बोले विघटे प्रगटे आपदनि के आपदाएं नष्ट होती हैं। अब यहाँ पे विघटे आपदनि का मतलब हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसके संबंध में क्या भगवान हमारी आपदाओं को नष्ट करते हैं ऐसी बात है, या फिर सहज ही ऐसा योग योगायोग बनता है कि हम जिस समय भगवान का स्मरण करते हैं उस समय में हम पाप नहीं करते, और जिस समय हम पाप नहीं करते तो पाप का बंध भी नहीं होता, और जब पाप का बंध नहीं होता है तो पाप का उदय भी नहीं आता, और जब पाप का उदय नहीं आता है तो बोले पाप का उदय नहीं आता है तो फिर विपदाएं जो पाप के उदय में होती हैं, आपत्तियां काय के उदय में आती हैं, ये पाप के उदय में आती हैं, तो पाप के उदय में जो आपत्तियां होती हैं वो आपत्तियां नहीं आती हैं। फिर दूसरा कि भाई जब हम भगवान का विशुद्ध रूप से स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं उनके गुणों का, तो पुण्य का बंध होता है, पाप का तो बंध नहीं होता, लेकिन शुभ परिणाम कर रहे हैं ना, तो शुभ परिणामों के फल में हमें क्या होता है, पुण्य बनता है। तो पुण्य के फल में हमको क्या मिलती है, इष्ट सामग्री मिलती है, सुयोग कुल मिलता है, सच्चा कुल, देवशास्त्र गुरु का समागम, अनुकूल सारी सुविधाएं, ख्याल में आया। तो ये पुण्य के उदय में तो ये होता है, वो पाप का उदय होता ही नहीं जिस समय हम भगवान का स्मरण करते हैं। तो ये हमें ख्याल में आ गया कि वास्तव में भगवान हमारी आपत्ति नष्ट नहीं करते, भगवान कुछ करते धरते नहीं, लेकिन स्वयं में ही ऐसा योग बनता है, निमित्त बनता है कि हम भगवान का स्मरण करें और मजाल है कोई पाप का उदय हमारे को आ जाए। ख्याल में, या उदय आएगा तो कितने समय के लिए आएगा, ख्याल में आया। और आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे, हमने उदाहरण सुना हुआ है बड़े बड़े विद्वानों का कि वो विद्वान जो होते हैं ना, विद्वान कि भाई उनको तो तकलीफ ज्यादा देखी जाती है वर्तमान समय में। गोपाल दास जी बरैया का उदाहरण आपने सुना ही होगा कि भाई उनकी पत्नी से वो बहुत ज्यादा परेशान थे, जिसको वो क्या बोलते थे, वैराग्य दायिनी, नित्य वैराग्य दायिनी। उनको उनका हुक्का यदि उनकी पत्नी का नहीं भर पाए तो उनको गद्दी पे से उठ के जाना पड़ता था हुक्का भरने के लिए, और बहुत सारी तकलीफें दुख जो है, जो धर्म कर रहे हैं, जो विद्वान हैं या जो समझो धर्मात्मा जन दिखते हैं, ऐसा आपको लगेगा कि उनको आपदा ज्यादा है। उदाहरण आपने सुना ही होगा कौन सा वाला, कि भाई एक बच्चा जा रहा था मूवी देखने सिनेमा घर, और एक बच्चा जा रहा था देवदर्शन करने, तो देवदर्शन करने वाले बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, और जो मूवी जा रहा था उसको एक 500 का नोट रस्ते में पड़ा मिल गया,
ख्याल में आया, तो आप विचार करो पुण्य का उदय किसका। आप बोल सकते हो कि भैया जो मूवी देखने जा रहा था वो कौन से कार्य के लिए जा रहा था, जा रहा था पाप के कार्य के लिए, कोई पुण्य का काम तो है नहीं, लेकिन उसको मिला 500 का नोट, और जो पुण्य के काम के लिए जा रहा था उसको क्या मिला, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो अपन को ऐसा लगेगा कि पुण्य और धर्म के काम में तो आपदाएं ज्यादा आती हैं, तो ऐसा नहीं है, ये उसके साथ घटना जो घटने वाली थी और ज्यादा घटने वाली थी, भयानक घटना घटने वाली थी, मात्र छोटा सा एक्सीडेंट होके वो बात टल गई, और उसको लॉटरी लगने वाली थी और उसको सिर्फ 500 का नोट मिला। ये आपको ये बात ख्याल में आना चाहिए, ख्याल में आया। तो ये आपदाएं भगवान का स्मरण करने वालों की रहती नहीं है, ये हमारे दिमाग में बैठना चाहिए। क्यों नहीं रहती है, क्योंकि जिस समय हम भगवान का स्मरण करते हैं तो उस समय हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर नहीं रहती, भगवान का तो दर्शन कर रहे हैं लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि भगवान आप जैसे हैं वैसा ही मैं हूं, भगवान आपके जैसे गुण हैं वैसे ही गुण मेरे में हैं, भगवान आपकी जैसी शक्तियां हैं वैसी की वैसी शक्तियां मेरे में हैं। तो भगवान का स्मरण विशुद्ध रूप से चिंतन करें गुणों का, तो हमारे को कोई विकल्प सताता नहीं, और विकल्प जब सताता नहीं है तो फिर आपत्तियां भी आती नहीं है, क्योंकि आपत्तियां अज्ञान की दशा में आती हैं, अज्ञानता में आती आपत्तियां। जब हमको ये पक्का निर्णय हो जाए कि भाई जो घटना घटनी थी वो घटी, हमको क्या है उससे, और जी ये तो सहज संयोग था, हमारा क्या बिगड़ा। जब हमको ऐसा भेद विज्ञान हो जाए, ज्ञान हो जाए कि ये मेरा नहीं था, जो गया वो चला गया है। अब किसी के दुकान में आग लग जाए, तो आग लग गई तो पुण्य का उदय के पाप का उदय, तो बोले पाप का उदय है दुकान में आग लग गई, पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है, किसका उदय है, तो बोले दुकान में आग लगना ना तो पाप का उदय है ना पुण्य का उदय है, फिर क्या है भाई, वो सहज रूप से जो होना था वो हो गया, मेरे को क्या हुआ। लेकिन जो अज्ञानी जीव रहता है उसके दिल में आग लगती है, हृदय में क्या बोलते हैं, वो दुकान तो को पता नहीं है कहाँ है, बहुत दूर है, और आग लगी वहां और यहाँ पे विचार करके आकुलित व्याकुलित होता रहता है। तो जब ये निर्णय हो जाए कि भैया दुकान ही मेरी नहीं थी, तो आग किसको लगी, मेरे को लगी कि दुकान को लगी, और दुकान को लगी तो दुकान जलेगी, मैं थोड़ी जलूंगा। लेकिन यहाँ होता क्या है अक्सर कि चोट वहां लगती है, आग वहां लगती है, और दर्द हमें यहाँ होता है, ख्याल में आया। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, किसी की गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए और उसको पता पड़ जाए हमारी गाड़ी ठुक गई है यहाँ पे, उसको समझो वो हुआ है डैमेज, तो चोट गाड़ी को नहीं लगती, यहाँ लगती है चोट। भैया क्यों ऐसा क्यों, तो वहां पे अपना अपनापन स्थापित है, वो गाड़ी किसकी है, मेरी है, मेरी कमाई की है वो, और कमाई के कारण मेरी कमाई की है, इस कारण से वो क्या करते, तो वो दुखी होता है। और जब हमें ये भेद विज्ञान हो जाए कि भैया ये तो सहज रूप से होने वाला है, जो भी हो रहा है ये मैं इसका कर्ता धर्ता नहीं हूं, ये यदि निर्णय हो जाए तो आकुलता का अभाव हुए बिना नहीं रहे। और भगवान कितनी आकुलता करते होंगे, अरे उनकी आकुलता है ही नहीं, वो तो निराकुल सुखी हैं, निराकुल सुखी, तो उनकी बिल्कुल किंचित मात भी आकुलता नहीं, उनको एक भी आकुलता नहीं, वापस आने का प्रश्न नहीं, वहां एक बार सिद्धालय में चले गए तो वहां से वापस आने वाले नहीं है। वो तो चिंता हमें होती है कि भैया वहां ये सुविधा मिलेगी कि नहीं, वापस वहां से आएंगे कि नहीं, भैया वापस आने का काम नहीं है ना, और सुविधाएं तो ये बाहर के सहयोग की सुविधाएं, ये यहाँ की व्यवस्था है, वहां थोड़ी ये व्यवस्था है सिद्धालय में कि आपको सुविधा मिलेगी, ख्याल में आया। तो इस प्रकार से
हमें ये समझना है कि प्रगटे बिघटे आपदने, इसका भाव बहुत गंभीर है। ये भगवान कोई करता धरता नहीं है कि भगवान को अपन ने पूजा और भगवान क्या करेंगे, हमारी आपदाएं नष्ट कर देंगे। भगवान को हम एक श्रीफल चढ़ा देंगे तो भगवान हमको अच्छे नंबरों से पास कर देंगे। ख्याल में आया? और आज के जमाने में ये जो जितने भी अतिशय क्षेत्र हैं वो क्या है, आके वो विशुद्ध धंधा बन गया है। भगवान को जो बीतरागी हैं उनको क्या क्या मान के बैठा दिया है दिमाग में लोगों को। महावीर जी में जाते हैं तो बोले उल्टा साथिया बना के आओ तो क्या होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी। भैया पुत्र की प्राप्ति कैसे हो जाएगी, भगवान दे देंगे पुत्र को, लेकिन दिमाग में ये घुसा हुआ है कि वो वहां महावीर जी जाने से उल्टा साथिया बनाने से क्या होता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो ये सब मिथ्या भ्रांतियां अज्ञानता जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक हमारे आकुलता व्याकुलता चलेगी चलेगी और चलेगी। और जब हमें ये निर्णय हो जाएगा कि भगवान ना तो किसी के करता है ना किसी के धरता है, ना वो मेरी आपदा नष्ट कर सकते हैं ना दूसरे किसी की, मैं पूजूंगा तो मेरी नष्ट करेंगे, जो दूसरा पूछता नहीं तो उसकी तो नष्ट करने वाले नहीं है। ऐसा धंधा जगत के देवी देवता भले ही करते हो कि जो पूछता है उसको तो बढ़िया बढ़िया और जो नहीं पूछता उसके ऊपर विपत्ति, ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि भगवान किसी के कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है। ख्याल में आया? देखिए अब क्या कहते हैं कि तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विगटे आपद अनेक, तुम जग भूषण दूषण वियुक्त, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। क्या बोला कि तुम जग भूषण, भगवान आप कैसे हो, भगवान की महिमा अचिंत है, अचिंत कैसी अचिंत है कि आप इतनी महिमाशाली हो कि आप त्रिलोक के जगत के आभूषण कहलाते हैं। ख्याल में आया? कल बात हुई थी इसके संबंध में कि आभूषण कैसे है ना, ये इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे अब क्योंकि कल हो चुकी है। अब वो बोले कि दूषण वियुक्त, भगवान आपकी महिमा तो है ही, आप जगत के आभूषण हैं, त्रिलोक के नाथ हैं। ख्याल में आया? त्रिलोकी नाथ हैं, आप में अनंत गुण विराजमान हैं और वो अनंत गुण आपकी स्वयं की निधि है, इसलिए आप कैसे हो, महान हो। और वो अनंत गुण हमारे में प्रकट हो तो हमें अपने अनंत गुणों का क्या करना पड़ेगा, भेदन करना पड़ेगा, भेद विज्ञान करना पड़ेगा, तो हम भी क्या हो जाएंगे, हो सकते हैं कि अनंत गुणों से संपन्न हो सकते हैं। संपन्न हो सकते का मतलब हैं, लेकिन अभी वर्तमान में हम उसका भेदन नहीं कर पा रहे हैं, प्रकट रूप में नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि दूषण वियुक्त, कि वो सारे दोषों से रहते हैं। कितने दोष हैं, दोष कितने हैं, दोष तो बहुत सारे हैं, वो कितने दोषों से रहते हैं। बोले दूषण वियुक्त, तो 18 प्रकार के दोष कहे जाते हैं, इसकी चर्चा आगे आगे आने वाली है। अष्टादश दोष वियुक्त धीर, ख्याल में आया? 18 दोष कौन कौन से हैं, तो पंक्तियां आती हैं आपने पढ़ा हो शायद, जन्म जरा तिरखा छुदा, विस्मय आरत खेत, रोग सुख मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद, राग देश अरु मरण जुत, ये अष्टादश दोष ना ही होत अरिहंत के, सो छवि लायक मोस। ये 18 दोष माने गए हैं, जन्म जरा तिरखा छुदा आदि, इन दोषों से क्या है, भगवान रहत है, अरहंत भगवान की चर्चा है। ख्याल में आया? चलिए आगे बात करते हैं। सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त, कि सब महिमाएं आप में सुशोभित होती हैं। या यो कहें कि आपकी महिमा किससे की जाए, यदि आप कहो कि सूर से आपकी महिमा की जाए तो बेटर रहेगा, तो बोले सूर तो कैसा है कि सूर तो सूर के लिए ग्रहण लग जाता है, राहु केतु आदि उसको ग्रस लेते हैं। ख्याल में आया? और वो बादल आड़े आ जाएं तो बादल भी उसको ढक देते हैं, तो उसका प्रकाश क्या हो जाता है, ढक जाता है। और
और सूर्य की क्या विशेषता, बोले पूरे लोक को प्रकाशित करता है क्या, वो कोई एक पर्टिकुलर जगह को प्रकाशित करता है, माने एक दीप को प्रकाशित करे, समझो जम्मू दीप को प्रकाशित कर रहा है, तो एक सुबह से लेके शाम तक का उसका वो है, ख्याल में आया, शाम को प्रकाशित नहीं करता वो, सुबह से लेके शाम तक का जो टाइम पीरियड है, और बहुत सारी कमियां हैं, ख्याल में आया। तो सूर्य से हम उनकी महिमा बखान नहीं कर सकते हैं, चंद्रमा से कर सकते हैं, तो बोले चंद्रमा से भी नहीं कर सकते, चंद्रमा तो जगत में बहुत सुंदर माना गया है, तो बोले चंद्रमा में भी कलंक है, लेकिन आप कैसे हो, आपका मुख मंडल निष्कलंक है, ख्याल में आया, आपका तेज ऐसा है तो तीनों चारों लोकों में, तीनों लोकों में व्याप्त हो रहा है, आपका मुख मंडल की आभा तीनों लोकों में व्याप्त है, ख्याल में आया। तो आपकी महिमा अपरंपार है, ख्याल में आया, महिमा मंडित है आप, ऐसी विशेष महिमा के धारी हैं, ख्याल में आया। और आगे क्या कहते हैं, विकल्प मुक्त, कि उनको कोई भी प्रकार का विकल्प नहीं है, हम सबको तो संसार अवस्था में विकल्प हो सकते हैं, लेकिन जो राग द्वेष से रहित हो गए हैं, पूर्ण वितरागी हो गए हैं, सर्वज्ञ हो गए हैं, उनको कोई विकल्प होने से रहा, माने वहां पे विकल्प का कोई काम नहीं, ग्रस्त अवस्था में तो विकल्प हो सकते हैं, निर्ग्रंथ अवस्था में भी विकल्प नहीं रहते, तो वो करते क्यों है फिर निर्ग्रंथ अवस्था में विकल्प, वो करते हैं वो उनका काम नहीं, कि भाई ये मंदिर कैसे बनेगा, ये कोरोना कैसे भगेगा, एकाद जाप मंत्र दे दिया जाए, ये अभी से क्या बोलते शांति धारा करें तो हो जाएगा कोरोना का अभाव, शांति विधान किया जाए, या ये मंत्र आपको दिया जाता है और ये मंत्र आप पाठ करो मंत्र का, तो फिर आपके कोरोना नहीं आएगा, ये सब विकल्प निर्ग्रंथ अवस्था में नहीं होते हैं, ख्याल में आया। जब निर्ग्रंथ अवस्था में नहीं होते हैं तो फिर भगवान केवली अवस्था में, सर्वज्ञ वितरागता की अवस्था में, पूर्ण वितरागता की अवस्था में ये विकल्प कैसे हो सकते हैं, ऊपर कहा ही है ना, दोष मुक्त, दूषण वियुक्त मुक्त, कि आप दोषों से बिल्कुल वियुक्त हो, मुक्त हो, ख्याल में आया। अब आगे हम थोड़ी सी आगे चर्चा बढ़ाते हैं, पांचवें छंद के आधार से क्या कहना चाह रहे हैं, पांचवा छंद देखिए, अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्म परम पावन अनूप, सुबे अशुभ वे भावे अभाव कीन, स्वाभाविक परिणति में अच्छी। चौथे छंद में जो बात कही थी उसी बात को और बढ़ा रहे हैं, माने इसमें पांचवें छंद में और आगे वाला छठवां छंद भी भगवान के स्वरूप को ही स्पष्ट करता है, भगवान की विशेषताओं को ही बताने वाला छंद है। क्या विशेषता बता रहे हैं भगवान की, ये देखिए, भगवान कैसे हैं, अविरुद्ध, पहला वर्ड क्या लिया, अविरुद्ध, ना तो कोई आपका विरोध करता है ना आप किसी का विरोध करते हैं, भगवान की वाणी में किसी का विरोध होता है क्या, तो भाई ये जो क्या बोलते हैं इसमें चलता है राजनीति में, भाजपा वाले कांग्रेस वालों की टांग खींचते रहते हैं और कांग्रेस वाले भाजपा, माने कुछ ना कुछ उनको कमियां दिखती हैं कि इनने ऐसा नहीं किया, इनने ऐसा नहीं किया, ख्याल में आया। तो ये यहाँ शासन और इनके व्यवस्था में, तो राजनीति की व्यवस्था में हो सकता है कि बेर विरोध हो सकता है, ये इसका विरोध करें, वो उसका विरोध करें, एक दूसरे के विरोध के चक्कर में पूरा जीवन ऐसे निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि भगवान आप अविरुद्ध हैं। अविरुद्ध कैसे हैं आप की वाणी अविरुद्ध है, भगवान तो त्रिलोकी हैं, जगत के आभूषण हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, पूजनी हैं, लेकिन आपकी जो वाणी है ना, वाणी
वो भी कैसी है, अविरोधी है। कैसी वाणी है आपकी, राग द्वेष से सहित है क्या? नहीं। कैसी है, बोले बीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। बीतरागता की पोषक ही क्या कहलाती है, जिनवाणी कहलाती है। ख्याल में आया? तो ऐसे है आप कैसे हो कि अविरोधी हैं, कोई भी आपका विरोध करने में समर्थ नहीं है ऐसे, और अनंत गुण आप में व्याप्त हैं, और ऐसे अनंत गुण रहने के बावजूद भी एक भी गुण दूसरे गुण का विरोध नहीं करता, एक भी शक्ति दूसरी शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करती, एक पर्याय दूसरी पर्याय का हस्तक्षेप नहीं करती। ये भी अविरोध का मतलब समझना कि हमारे में जो अनंत गुण हैं या भगवान के जो अनंत गुण हैं वो एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, अविरोधी हैं, एक साथ रहते हैं। बोलो, दर्शन ज्ञान का काम कर सकता है कि नहीं, ज्ञान दर्शन का काम कर सकता है कि नहीं? बोले ज्ञान ज्ञान का काम करेगा, दर्शन दर्शन का काम करेगा, चारित चारित का काम करेगा, सुख सुख का काम करेगा, कोई एक दूसरे में हस्तक्षेप करने वाला नहीं है। सब द्रव्य सुतंत जगत के कोई किसी का ना काम करे, अपने अपने अनंत तुष्ट में सभी द्रव्य विश्राम करे, अपने अपने सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ, बीत रागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। कि भगवान आपके जैसे जगत में कोई दूसरा देव नहीं है, आप बीतरागी हैं और सारे द्रव्य जगत में जो भी हैं वो अपने अपने स्वचतुष्ट में लीन रहते हैं, ये हमें ख्याल में आना चाहिए। ये अविरुद्ध का मतलब है। तो भगवान कैसे हैं, अविरुद्ध हैं। और कैसे हैं आप, शुद्ध हैं। कैसी शुद्धता है आपकी, भाई शुद्धता के आश्रय से ही तो शुद्धता प्रकट होगी। और आपने किसका आश्रय लिया है, जो परम पवित्र शुद्ध है उसका आश्रय लिया है, इसलिए आप शुद्ध हैं। ख्याल में आया? और छोटी मोटी शुद्धता नहीं, जगत में तो मिलावट का काम होता है भाई, गेहूं क्या बोलते हैं, बहुत सारी मिलावट होती है, आप देख सकते हो, घी में काय का मिलावट, वनस्पति घी का की मिलावट, और ना जाने क्या क्या मिलावट होती है, उसकी व्याख्या नहीं करनी मुझे। लेकिन शुद्धता आज की डेट में यदि बोला जाए तो बोले कोई चीज शुद्ध नहीं है, सब में मिलावट है। लेकिन आप कैसे हो भगवान, कि आप परम शुद्ध हो, परम शुद्ध हो आप। फिर आप कैसे हो, तो बोले चेतन स्वरूप। ये चेतन स्वरूप जो है ना, चेतन स्वरूप होने से आप परम शुद्ध हो, ये पैमाना है शुद्धता का। क्या पैमाना है, कि आपकी चेतनता ही शुद्धता का आधार है। चेतन तत्व जो है आज तक कभी अशुद्ध हुआ नहीं, होएगा नहीं, था नहीं, वर्तमान में है नहीं, और भविष्य में होगा नहीं। ऐसा चेतन तत्व, आपने उस चेतन तत्व का आश्रय लिया, अनंत चतुष्टय प्रकट किए, इसलिए आपकी शुद्धता जगत में क्या है, फेमस है। तो फिर हमें क्या फायदा इससे, हम तो थोड़ी सी वो वाली भी बात करते ना, कि भाई आप जो बात कर रहे हो कि अविरुद्ध हैं, शुद्ध हैं, चेतन स्वरूप हैं, हमें क्या है, हमको क्या लेना इससे। तो बोले आप भी वैसे ही हो, आप भी कैसे हो कि अविरुद्ध हो, आप भी कैसे हो कि शुद्ध हो, आप भी कैसे हो कि आप में किसी भी प्रकार की मिलावट अशुद्धता तीन काल में आती नहीं, आती थी नहीं, आती है नहीं, वो आएगी नहीं। ख्याल में आया? इसी प्रकार से आगे क्या कहते हैं, परमात्म परम पावन अनु।
तो वो त्रिकाली ध्रुव चेतन भगवान आत्मा जो है वो कैसा है? तो बोले परमात्मा परम, परमात्मा परम माने आप भगवान परमात्मा स्वरूप हो, परम परमात्मा जगत के जो परमात्मा दिखाई देते हैं आपको, आपकी दृष्टि में जिनको आपने परमात्मा समझा है, तो वो परम परमात्मा नहीं, उनमें तो परमात्मापना घटित तो होता है कि नहीं, वो आप परीक्षा से सिद्ध कर सकते हो। लेकिन भगवान जो वीतरागी हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो हितोपदेशी हैं, ऐसे सच्चे देव आप कैसे हो कि आप क्या हो? परमात्मा हो। कैसे परमात्मा हो आप? परमात्मा। जगत के पद कैसे हैं? छिनने वाले हैं। आज जो मंत्री या जो जिस पदवी पे आज राजनीति में जो ओहदे पे बैठा हुआ है आदमी, वो तो लोकतंत्र की वजह से बैठा है। जिन लोगों ने बिठाया है उनको, वो लोग अगर चाहें तो एक मिनट में उनकी सत्ता गिरा सकते हैं। ये जगत में है, चलता है। जो परम पद समझो उनके परम पद माने जो क्या बोलते हैं उनके मंत्री तंत्री और जो 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 भी पद होते होंगे राजनीति में, तो वहां पे क्या है कि वो निश्चित नहीं है कि इस पद पे कितने दिन तक टिकेंगे, 5 साल 10 साल 15 साल कितने दिन तक, ये कोई गारंटी नहीं। महाराष्ट्र में हुआ था ना, एक दिन शपथ ली देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ने, तो दूसरे दिन धराशायी हो गए मामला और जोड़ के वहां पे सरकार बन गई उद्धव सरकार, ख्याल में आया। तो ये सब पद क्या है? अपद हैं, और ये निश्चित नहीं है कि ये गारंटी से ये रहने वाले हैं, इनका समय निश्चित नहीं है। लेकिन भगवान आप जो परम पद को प्राप्त किए हैं वो उत्कृष्ट पद है, और वह पद कभी नष्ट नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा, ऐसा परम पद है, और ऐसे आप परमात्मा हो, ध्यान में आया। तो आत्मा से ही परमात्मा बना जाता है, कोई परमात्मा जन्म से नहीं बनता अपने आप है। तो भगवान महावीर की शिक्षाओं में ये शिक्षा ये भी दी गई है, कोई जन्म से भगवान नहीं होता, भगवान बनना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, ख्याल में आया। भगवान कोई ऐसा तो है नहीं कि जन्म से ही भगवान बन गए हो, नहीं, वो भी हमारे और आपके जैसे गृहस्थ थे, ख्याल में आया। लेकिन उनने उनका गृहस्थ पने में उनका मन नहीं लगता था, बचपन से ही उनको वैराग्य था, ख्याल में आया। वो सब प्रथमानि योग आप पढ़ लेना, उसमें सारी कथाएं आपको मिल जाएंगी, ख्याल में आया। तो यहाँ पे क्या लिखा कि अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्मा परम पावन अनूप, अनूप हो आप, पावन हो और अनूप हो, परम पावन। परम पावन क्या होता? स्तुति पढ़ते ना, प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी। इसका क्या मतलब है? प्रभु आप कैसे हो? परम पावन हो। प्रभु आप कैसे हो? परम पावन। और मैं कैसा हूं? अपावन हूं। तो भगवान आप पावन और मैं अपावन, ये तो अन्याय है। आप अपने आप को पावन बता रहे हो और मैं कैसा हूं? अपावन हूं। ख्याल में आया? तो भैया वो पावन कैसे और मैं अपावन कैसे, इसका वेद विज्ञान तो होना चाहिए ना, इसकी पहचान तो होना चाहिए कि मैं अपावन क्यों? क्योंकि मैंने अपने पावन पवित्र आत्मा का आश्रय नहीं लिया। और वो पावन क्यों? क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि पतितों को क्या पार लगाते हो इसलिए आप पावन हो गए, नहीं, जिस पवित्र आत्मा के आश्रय से आज तक भगवान बनते आ रहे हैं, भविष्य में ही बनेंगे, उसका आश्रय आपने लिया इसलिए आप पावन हुए, ख्याल में आया। और मैं अपावन क्यों रहा? क्योंकि मैंने आज तक इसका ध्यान ही नहीं किया, मुझे ख्याल ही नहीं गया कि मैं भी परम पवित्र शुद्ध आत्म तत्व हूं, ध्रुव हूं, त्रिकाली हूं, इसका कोई हमको भान ही नहीं हुआ। यदि भान हो जाता, ज्ञान हो जाता, तो फिर मैं भी पावन हुए बिना नहीं रहता,
मैं भी पावन हो जाता और अभी भी स्वभाव से द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो पावन ही हूं, अपावन नहीं। मलिनता ने मुझे छुआ नहीं, ख्याल में आया, गंदगी ने, राग देश ने और मेरे में, दोनों में वज्र की दीवार है, ख्याल में आया। चलिए आगे क्या कहते हैं कि आप अनुपम हो, ख्याल में आया। आपको अनुपम क्यों कहा, क्योंकि आपकी उपमाएं किसी से दी नहीं जा सकती है, सूर्य चंद्रमा तो उनमें भी कुछ ना कुछ कमी है, ख्याल में आया है। भक्तांबर में तो कहा है एक जगह कि भगवान आप ऐसे दीपक हो कि जगत के दीपक में तो धुआं होता है, जगत का दीपक थोड़ा प्रकाश करता है, लेकिन आप कैसे हो कि आप ऐसे दीपक हो, जगत के दीपक को तो तेल की आवश्यकता पड़ती है प्रकाश करने के लिए, लेकिन आप ऐसे दीपक हो कि ना तो आपको किसी की आवश्यकता है, किसी पर सहयोग की, और आप दूसरों को प्रकाश लिमिटेड जगह नहीं करते, आप तीनों लोगों को प्रकाशित करते हो, आपका ज्ञान, आपके ज्ञान में तीनों लोग झलकता है, और आप झलकाते हो ऐसा नहीं, आपके ज्ञान में सहज झलकता है, उनको इच्छा नहीं होती है कि मैं इसको जान लूं, इसको ना जानूं, वो तो सहज होता है, वो तो अपने आत्म, सबसे पहली पंक्ति में ही पढ़ा अपन ने, निजानंद रस लीन, कि अपने आत्मा के आनंद में लीन रहते हैं, और फिर वो सकल गे ज्ञायक, वो झलके तो झलके, वो कोई उनको झलकाने की इच्छा होती हो कि मैं जानूं, जानने का भाव भी नहीं आता उनके ज्ञान में, सहज होता है, सहज, इसलिए आप कैसे हो, अनुपम हो। तीनों लोगों में कोई ऐसी उपमा नहीं है जो आपको दी जा सके, सारी उपमाएं फेल हैं आपके सामने, ऐसे अनुपम हो आप। अनुपम तत्व की उपलब्धि आपने की है इसलिए आप अनुपम हो। अनुपम तत्व कौन सा है कि मैं स्वयं अनुपम तत्व हूं, और आपने आपके स्वयं अनुपम तत्व का आश्रय लेके उसमें लीन हुए और ऐसा पुरुषार्थ जागृत हुआ कि आप भगवान बन गए। भरत चक्रवर्ती को क्या कहा जाता है, भरत चक्रवर्ती को कहा जाता है कि कपड़े उतारते उतारते भगवान बन गए। तो ऐसा होता है क्या कि कपड़े उतारते उतारते भगवान बन जाए कोई? इसका कहने का मतलब क्या है कि भगवान माने भरत चक्रवर्ती की पूर्व में ऐसी तैयारी थी, वो निरंतर आत्मा के ध्यान में रहते थे, वो युद्ध क्षेत्र में भी जाए तो वहां युद्ध अपनी जगह चल रहा है, वो अपनी आत्मा में मग्न है, ध्यान अवस्था में, ख्याल में आया। और फिर समय आया तो उन कपड़े उतर गए अपने आप और भगवान बन गए, अंतर मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान हो गया, ख्याल में आया। तो ये बहुत सारे उदाहरण आपको ग्रंथों में पढ़ने मिलेंगे, प्रथमान योग पढ़ने की आवश्यकता है, वो आप पढ़ें, ख्याल में आया। आगे क्या लिखा, शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन स्वाभाविक परिणति मैं अछीन। क्या बोला कि स्वाभाविक परिणति मैं अछीन, शुभ अशुभ विभाव, कि भगवान आप कैसे हो कि शुभ और अशुभ, ये शुभ अशुभ क्या होता है, शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम, इसको अपनी भाषा में कहें कि क्या बोलते हैं, पुण्य और पाप, ख्याल में आया। शुभ किसे कहते हैं कि पुण्य भाव को शुभ भाव कहते हैं, और अशुभ किसे कहते हैं, पाप भाव को अशुभ कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि भाई अशुभ ज्यादा करते हैं, पुण्य कम करते हैं, शुभ कम करते हैं। मोक्षमा प्रकाशक में तीन प्रकार के परिणाम बताए गए, शुभ भाव, शुद्ध भाव और अशुभ भाव। शुद्ध भाव, शुभ और अशुभ, ख्याल में आया। ये सब क्यों, ये जो अवस्थाएं बताई हैं, ये तो अवस्था एक संयोग की अपेक्षा से बताई गई है, वास्तव में देखा जाए तो मैं तो त्रिकाली शुद्ध हूं, ख्याल में आया। और देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शुभ अशुभ विभाव, इन शुभ और अशुभ को क्या बोला, विभाव, ये दोनों एक ही जाति के हैं,
दोनों एक ही जाति के हैं। आचार्य भगवान ने तो यहाँ तक कहा है कि जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती। भैया दोनों में क्या अंतर है, बंधे हो आप? तो बोले हमें लोहे की बेड़ी से मत बांधो, कैसे बांधो, सोने की बेड़ी थोड़ी ठीक रहेगी, वो थोड़ा सा कीमती है ना, लोहा तो थोड़ा उससे कम कीमत है वाला है, तो उसकी ज्यादा कीमत नहीं है, सोने से बांधो। भैया बांधना पसंद आपको है, बंधन पसंद है, चलो आपको सोने की बेड़ी से ही बांध देते हैं, चिंता मत करो। तो बोले नहीं, ना तो हमें सोने की बेड़ी पसंद है ना लोहे की बेड़ी पसंद है, ये दोनों ही बेड़ियां बंधन का कारण है और हम इनसे बंधने को तैयार नहीं है। और भगवान, तो भगवान भी ऐसे ही है, भगवान ना तो शुभ भाव करते ना अशुभ भाव करते, भगवान बन गए ना भैया। ये संसार अवस्था में शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, वीतरागी अवस्था में नहीं होते, ख्याल में आया? तो वीतरागी अवस्था छद्मस्थ अवस्था में ये परिणाम हो सकते, छद्मस्थ अवस्था में तो शुभ अशुभ परिणाम हो सकते हैं, लेकिन वीतराग अवस्था में शुभ अशुभ परिणाम नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बताया कि शुभ अशुभ विभाव अभावहीन, कि आपने उससे पहले ही इन अवस्थाओं का क्या कर दिया, अभाव कर दिया, आप शुभ अशुभ परिणामों से कैसे हो, रहित हो। विभाव का क्या किया, अभाव किया, ये विकृति है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन हमको क्या है, हमको पुण्य पसंद है, पाप पसंद नहीं है। हम चाहते क्या है, पुण्य, लेकिन करते क्या है, पाप। भाई चाहते हो तो करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाह हमारी अलग जाति की है, लेकिन वो करना चाहते नहीं है। हम करते पाप और चाहते पुण्य, लेकिन होता क्या है, जब पाप करोगे तो आपकी चाह नहीं चलेगी, पाप ही बनेगा, ख्याल में आया? तो ऐसे इस प्रकार से हमें भगवान की यदि राय पर चलना है तो जो भगवान ने बताया है शुभ अशुभ विभाव भाव कीन, उनने जो कार्य किया है अद्भुत, उनने दोनों को एक माना और एक क्षण में त्याग दिया, ख्याल में आया? एक क्षण में त्याग दिया। पाप को तो हर कोई पाप कहता है, लेकिन बिरला जीव ही पुण्य को पाप कहता है, तो आप बिरले थे, आपने पुण्य को भी पाप बोला, ख्याल में आया? आचार्य भगवानों ने, विद्वानों ने पुण्य को भी पाप बोला, धर्मात्मा महापुरुषों ने, ख्याल में आया? तो ये शुभ और अशुभ विभाव का क्या किया, उनने अभाव किया, अभाव की, फिर क्या हुआ, तो बोले स्वाभाविक परिणति मैं अछीन। आपकी परिणति कैसी हो गई, कि स्वाभाविक, स्वाभाविक परिणति, कैसी परिणति, स्वाभाविक परिणति क्या होती है, स्वाभाविक, स्वाभाविक माने जो स्वभाव से उत्पन्न हो, स्वाभाविक, स्वभाव चेंज नहीं होता, स्वभाव चेंज नहीं होता, विभाव तो चेंज हो सकते हैं लेकिन स्वभाव चेंज नहीं होता। स्वभाव माने क्या, आप बताओ, पानी को गर्म कर सकते हो? बोले हो गर्म कर सकते हैं, ठंड में गर्म करते ही हैं, ठंडी में पानी गर्म करते हो क्या, नहीं, ठंडे पानी से नहाते हो कि गर्म पानी से नहाते हो? बोले गर्म पानी से नहाते हैं। कैसे गर्म करते हो? बोले जो अलग अलग साधन है उससे करते हैं। वो कब तक टिकता है गर्म पानी, कब तक टिकता है गर्म पानी, माने गर्म पना कब तक रहता है, गर्म पानी गर्म होता नहीं वास्तव में, गर्म हुआ है तो वो उसकी विकृति है, स्वाभाविक परिणति नहीं है, क्योंकि पानी का स्वभाव क्या है, शीतलता है, पानी का स्वभाव गर्म नहीं होता, पानी का स्वभाव शीतल होता है, ख्याल में आया? वो पूजनों में आप पढ़ लोगे जल के छंद, तो आपको ख्याल में विशेष आएगा। देखिए तो स्वाभाविक परिणति, स्वाभाविक परिणति, स्वाभाविक परिणति उनकी कैसी, कि अनंत चतुष्टय आपने जो प्रकट किए हैं ना, किसका अभाव करके, चार घातिया कर्मों का अभाव करके,
तो अभाव कर्मों का अभाव करना पड़ा है कि वो हो गए हैं। किसका आश्रय लिया था? बोले स्वभाव का आश्रय लिया था। तो कर्मों का अभाव स्वभाव के आश्रय से हुआ कि सहज हुआ? वो उदाहरण आपने सुना होगा, वो ऊंट वाला, एक ऊंट वाला था, तो उसने एक जगह डेरा डाला है ना, तो 100 ऊंट होंगे उसके पास, 100 ऊंटों को उसने बांधने की व्यवस्था करी, लेकिन एक ऊंट को समझो रस्सी कम पड़ गई, तो उसने बांधने का क्या किया, नाटक किया, तो वही बंध गया कि नहीं बंध गया, बंध गया। नाटक भी कैसा किया उसने, असल जैसा किया, जैसे दूसरे ऊंटों को बांधने का समझो पुरुषार्थ किया था, जो क्रिया की थी, जो विधि से उनको दूसरों ऊंटों को बांधा था, वैसी की वैसी विधि इसके ऊपर अप्लाई करी, ख्याल में आया? तो ठीक है, अगले दिन क्या हुआ, सारे ऊंट आगे छोड़ दिया सबको, तो आगे बढ़ गए, और इसको छोड़ा नहीं, तो ये यहीं बैठा, वो विचार में पड़ गया कि भैया ये क्या हुआ, ये ऊंट बढ़ क्यों नहीं रहा आगे, तो भैया जैसा तूने बांधा था वैसा उसको छोड़ना पड़ेगा, तब वो आगे बढ़ेगा, ख्याल में आया, नहीं तो आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो ऐसे ही हम जहां पे बंधे हैं, बंधे हैं क्या हम, पहले तो ये निर्णय कर लो बंधे हैं कि नहीं, हमारे को बंधन है कि नहीं, बंधन है तो फिर हम छोड़ने छूटने का उपाय करेंगे, जब बंधन ही नहीं है, अबंध स्वभाव ही है, तो फिर क्या पुरुषार्थ करें, भगवान तो अबंध स्वभावी थे और अबंध स्वभावी आश्रय लेके अबंध हो गए, लेकिन हम तो क्या है भैया, वर्तमान में हमारी स्थिति कैसी है, बंधन वाली है क्या बंध वाली है, जैसा आप महसूस करो वैसा है आपकी स्थिति, यदि आप वर्तमान में अपने आप को बंध स्वभावी मानोगे तो बंधन में हो आप, और अबंध स्वभावी मानोगे तो अबंध स्वभावी हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर्याय दृष्टि का फेर है, पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो बंध स्वभावी, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो अबंध स्वभावी, ख्याल में आया? तो यहाँ पे स्वाभाविक परिणति, स्वाभाविक परिणति, ख्याल में आया, स्वाभाविक परिणति मैं क्या, स्वाभाविक परिणति मैं है, आप बोलो अग्नि स्वभाव से गर्म है कि कुछ दूसरे संयोग से गर्म है, स्वभाव है उसका गर्म, यदि आपको गर्म नहीं लगती है तो वास्तव में वो अग्नि नहीं है, गर्म स्वभाव को जानने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्वभाव रूप से गर्म है तो उसकी पहचान कैसी होगी, तो बोले छू के देखो, तो छूने की आवश्यकता है क्या, छुए गए तो क्या होगा, तो छुओगे तो जलोगे, ख्याल में आया, अनुभव करना है तो छू के देखना पड़ेगा, ख्याल में आया, और आपको पता है कि इसका स्वभाव ही गर्म है तो आपको छूने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही भगवान अपनी स्वाभाविक परिणति में है, और हम उनके स्वाभाविक परिणति का आश्रय लेके जैसे उनने स्वभाव की प्रकटता की है, वैसे ही हम अपने स्वभाव का आश्रय लेके हम अपने स्वाभाविक परिणति में क्या हो जाएं, लीन हो जाएं, मग्न हो जाएं, तो हमारे को भी क्या होगा, स्वाभाविक परिणति प्रकट होगी, स्वभाव प्रकट होंगे, अनंत चतुष्टय हमको भी प्रकट हो जाएंगे। तो क्या लिखा, स्वाभाविक परिणति मैं अछीन, कि भाई ये जो परिणति है ना स्वाभाविक, ये नष्ट नहीं होने वाली, ये एक बार प्रकट हो गई तो अनादि अनंत काल तक रहने वाली है, ये स्वाभाविक परिणति, स्वभाव कहते ही उसे है जिसका विभाव नहीं होता, जिसका अभाव नहीं होता। बोलो अग्नि को ठंडा कितने कालों में किया जा सकता है, कितना पुरुषार्थ करो कि वो अग्नि ठंडी हो जाए, है कोई प्रयास, है कोई साधन, कितना समय लगेगा कि वो ठंडी हो जाएगी, कोई साधन नहीं, कोई समय नहीं, वो गर्म है, गर्म थी, वो गर्म रहेगी, ऐसे ही हमारे अंदर में स्वभाव परिणति अंदर में जो अनंत चतुष्टय है, अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं, वो विद्यमान थे, विद्यमान हैं, विद्यमान रहेंगे, भगवान को वो
वर्तमान में प्रकट हो गए हैं, उनके स्वभाव के आश्रय से हमें अपना स्वभाव का आश्रय लेना है, यही हमें प्रेरणा छंद के माध्यम से लेनी है। तो हमारे अंदर में भी क्या होगी कि जो स्वाभाविक प्रणति अक्षीण है, कभी नष्ट नहीं होती, ऐसी स्वाभाविक प्रणति हमको भी प्रकट होगी। पुनः इसका छंद का पाठ करेंगे और अपना समय हो चुका है, क्लास को विराम लेंगे। एक बार पाठ करते हैं पुनः। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्म परम पावन अनूप, शुभे अशुभ विभावे अभाव के स्वाभाविक परिणति में अच्छी। इस प्रकार से हमने पांचवें छंद के आधार से भगवान के स्वरूप को समझा है। आप सभी लोग इन जो भगवान के स्वरूप बताए जा रहे हैं, गुण बताए जा रहे हैं, उन गुणों को अपनाकर, जैसे भगवान अपने अनंत गुणों में लीन हैं और अनंत आनंद का वेदन कर रहे हैं, वैसे ही हम सभी भी अनंत आनंद का वेदन करें, अल्प काल में सिद्धालय में विराजमान हो, इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूँ। संक्षेप में जिनवाणी में निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।